गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास वन. दिस इज योर जीके बुक ग्लोबल अवेयरनेस. आज मैं आपको जीके की बुक पढ़ाने जा रही हूँ. तो हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लेते हैं. दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर. हेडिंग है यहाँ थिंग्स अराउंड अस. थिंग्स अराउंड अस जो हेडिंग है, इसके अंदर थ्री चैप्टर्स हैं आपके. मी एंड माई सेल्फ, राजाज होम, से चीज. ये थ्री चैप्टर्स थिंग्स अराउंड अस में मैं आपको पढ़ाऊंगी. लेकिन आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ. फर्स्ट चैप्टर है मी माई सेल्फ. अपने हाथ में पेंसिल ले लें. जो वर्ड मैं पढ़ती जा रही हूँ उसके साथ साथ आप पेंसिल, मैं रख रही हूँ ऐसे, तो आप भी पेंसिल या अपनी फिंगर रखेंगे और मेरे साथ साथ उसको रिपीट करेंगे. पेंसिल ले ली आपने? चलिए. फैमिली इज द नेम गिवन टू पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर. फैमिली यानी परिवार उसे कहते हैं जिसमें बहुत से जो लोग हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं. दे लिव टुगेदर और वो एक साथ रहते हैं. अवर फैमिली गिव्स अस लव एंड सपोर्ट ऑलवेज. हमारा परिवार हम एक दूसरे से प्यार करता है और एक दूसरे को सहयोग देते हैं. परिवार यानी जो हमारी फैमिली है, हम उस फैमिली जिसमें रहते हैं वो परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को प्यार और सहयोग देते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ अरुण्स फैमिली. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, वो अरुण की फैमिली की हैं. गेस देयर रिलेशन विथ अरुण्स. यहाँ पे हमको ये देखना है इस पिक्चर्स को देखते हुए कि अरुण की फैमिली में जो ये मेंबर्स की पिक्चर्स दी हुई है उनका अरुण के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, यानी क्या संबंध उनका एक दूसरे से हो सकता है. यहाँ लिखा हुआ टेक हेल्प फ्रॉम हेल्प जोन. हेल्प जोन जो यहाँ पर है वो हेल्प जोन का मीन्स यहाँ पिक्चर से है. इन पिक्चर्स की हेल्प से, मदद से हमें अरुण के परिवार का एक दूसरे से क्या रिलेशन है इस पिक्चर्स का वो पता लगाना है. दिस इज अरुण्स. पिक्चर देखेंगे, पिक्चर से पता चल रहा है कि ये कौन है. तो दिस इज अरुण्स फादर. स्पेलिंग लिखेंगे हम एफ ए टी एच ई आर फादर. दिस इज अरुण्स फादर. सेकेंड पिक्चर है, देखिए पिक्चर देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये अरुण की कौन हो सकती हैं. तो ये अरुण की मदर है. दिस इज अरुण्स मदर. हम यहाँ लिखेंगे मदर, एम ओ टी एच ई आर मदर. थर्ड पिक्चर बॉय, तो ये अरुण का ब्रदर है. तो दिस इज अरुण्स ब्रदर. हम यहाँ लिखेंगे बी आर ओ टी एच ई आर. दिस इज अरुण्स ब्रदर. अरुण का भाई है. पिक्चर एक गर्ल है, तो दिस इज अरुण्स सिस्टर. हम यहाँ लिखेंगे एस आई एस टी ई आर सिस्टर. यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अरुण्स की फैमिली के फोर मेंबर्स यहाँ पे बने हुए थे, फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर. अब आपने इसी तरह से लिखना है और अपनी स्कूल की जो आपको कॉपीज़ आपके पास हैं उसमें इंग्लिश की नोटबुक निकालेंगे, इंग्लिश की कॉपी फोर लाइन वाली, उसको जीके की कॉपी बनाएंगे.
फोर लाइन की जो कॉपी है उसको ऊपर जीके का सब्जेक्ट की कॉपी बनाएंगे और उसमें लेसन वन मी एंड माई सेल्फ लिखेंगे, लेसन वन हेडिंग डालेंगे, मी एंड माई सेल्फ लिखेंगे और होमवर्क करेंगे। होमवर्क मैं आपको बता रही हूँ, आप हेडिंग डालेंगे फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं वो आप लिखेंगे। अब जैसे अरुण के फैमिली में जो मेंबर्स थे वो हैं फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। हो सकता है आपके साथ आपके कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, आपकी आंटी, आपके अंकल भी रहते हों, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, तो आप वो भी लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे, चैप्टर का नाम और होमवर्क है आपका, फैमिली मेंबर्स लिखेंगे और नंबर 1, 2, 3 पॉइंट्स डालते हुए आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनके नेम लिखेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क। कल मिलेंगे एक नए लेसन में के साथ और कुछ आपको पढ़ाएंगे जीके में। घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए साफ सफाई का, हाथ धोते रहिए। ओके, नई क्लास में कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट में जीके के साथ, एक नए लेसन के साथ। ओके, बाय बेटा।